हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल, ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर हाईएस्ट प्रीलिम्स एग्जाम। फ्रेंड्स देखिए, जब हम सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं तो फोर मोड ऑफ सप्लाई होते हैं सर्विस के केस में अंडर WTO एग्रीमेंट। WTO में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है, तो उसमें फोर मोड ऑफ सप्लाई होते हैं। सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में क्या है कि आप सर्विस सप्लाई करते हो थ्रू टेलीकम्युनिकेशन और मेल, जैसे बैंकिंग सर्विस, आर्किटेक्चरल सर्विस। कंजम्पशन एब्रॉड है, उसमें क्या है कि जैसे टूरिस्ट है फॉरेन गया घूमने, या पेशेंट फॉरेन में ट्रीटमेंट के लिए गया तो एब्रॉड में कंजम्पशन हो रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस का मतलब है कि कोई भी सर्विस सेक्टर की जो कंपनी है वो फॉरेन में अपनी ब्रांच या सब्सिडरी ओपन करती है। और प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, तो देखिए प्रोफेशनल की सर्विस आती है तो प्रोफेशनल है वो US UK में जॉब कर रहे हैं, अपना ऑफिस खोल रखा है उन्होंने, US UK में अपना ऑफिस खोल रखा है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अकाउंटेंट, डॉक्टर, टीचर्स। तो ये क्या है, फोर मोड ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं WTO एग्रीमेंट में। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल अप्रूव। देखिए इंडिया ने प्रपोजल रखा था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कि देखिए जो न्यूट्री सीरियल्स हैं ये क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स के लिए इन्होंने की 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स ऑब्जर्व करना चाहिए UN को, तो इन्होंने प्रपोजल रखा था, वो प्रपोजल इंडिया का एक्सेप्ट हो गया है। तो प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स कौन सा है, तो 2023 आने वाला है। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, देखिए नीति आयोग के मेंबर ने सजेस्ट किया था कि इंडिया में क्या डंपिंग हो रही है गुड्स की, तो इन्होंने सजेस्ट किया था बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के लिए, सजेस्ट किया था कि जो भी इंपोर्ट होता है उस पर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगना चाहिए। कि देखिए बहुत सारे टैक्स होते हैं जो इंडिया की कंपनी में तो लगते हैं, जैसे आपका इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रही है, ड्यूटी ऑन फ्यूल है, पेट्रोल डीजल है, सब पे ड्यूटी लगती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती है। इसी तरह क्लीन एनर्जी टैक्स, मंडी टैक्स, रॉयल्टी, दुनिया भर के टैक्स लगते हैं। लेकिन चाइना की कंपनी, ताइवान, हांगकांग की कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे ये टैक्स नहीं लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से जब इंपोर्ट होता है तो आप बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाइए, ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी है इंपोर्ट पर। तो ये इन्होंने प्रपोजल दिया था। बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ क्या है कि जब भी कोई कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती है तो वो जितने भी गुड्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाती है और उन पर बताती है कि हम मैक्सिमम कितना टैरिफ लगाएंगे, तो वो होता है बाउंड टैरिफ। कि आपने कहा कि हम 100 इंपोर्ट पर 100% टैक्स लगाएंगे इस आइटम पे, तो आप 100% से ज़्यादा नहीं लगा सकते, आप 100% से कम भले ही आप लगा सकते हो। अगर आप 100% से ज़्यादा लगाते हो तो जो दूसरी कंट्री है वो आपको WTO में केस फाइल कर सकती है। देखिए टोटल ट्रेड टॉप कंट्री, देखिए 2020-21 में अगर हम टोटल ट्रेड की बात करें तो देखिए इंडिया का, देखिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर टॉप फाइव में अगर देखें तो नंबर वन कौन है, चाइना। चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड है, एक्सपोर्ट 1,57,000 करोड़ और इंपोर्ट 4,82,000, और सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर चाइना है, और सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है, चाइना के साथ है। दूसरे नंबर पर US है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लेकिन US के साथ इंडिया का क्या है, ट्रेड सरप्लस है, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट होता है, जो भी रॉ मटेरियल है, की कंपोनेंट रॉ मटेरियल के, और आपके जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो की इंग्रेडिएंट्स है वो सब चाइना से इंपोर्ट करती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, टॉयज हैं, सब चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1,24,000 करोड़ का करीब नेगेटिव बैलेंस है, किसके साथ, स्विट्जरलैंड के साथ आ रहा है। स्विट्जरलैंड के साथ नेगेटिव बैलेंस क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसका, रीजन सिंपल है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का होता है, उसके बाद गोल्ड का होता है। तो गोल्ड हम कहां से इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड हम स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, मतलब गोल्ड जो रिफाइन होता है वो स्विट्जरलैंड में होता है, रिफाइनिंग फैसिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी स्विट्जरलैंड में। तो ये फ्रेंड्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, किनके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस है। इसके बाद एक्सपोर्ट देखें, अगर हम, ये तो टोटल ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट देखें रीजन वाइज। रीजन वाइज एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका को,
19% एक्सपोर्ट है वो नॉर्थ अमेरिका को है। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन से आते हैं? कैनेडा, यूएस और मेक्सिको आते हैं। दूसरे नंबर पर नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में आते हैं चाइना, हांगकांग, ताइवान, जापान दूसरे नंबर पर। इसको हम कितना करते हैं, 14% शेयर है इनका एक्सपोर्ट में। तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन कंट्री, देन आसियान। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट में देखिए सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कहां से करते हैं, ये तो एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट के बाद अगर हम इंपोर्ट की बात करें रीजन वाइज इंपोर्ट, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम नॉर्थ ईस्ट एशिया से करते हैं, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आपका ताइवान, हांगकांग, ये सारे क्या है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम नॉर्थ ईस्ट एशिया से करते हैं। देन वेस्ट एशिया, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल कमोडिटी, देखिए प्रिंसिपल कमोडिटी के एक्सपोर्ट में आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स का है डेटा, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो नंबर वन पे इंजीनियरिंग गुड्स है, देन जेम्स एंड ज्वेलरी है। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा है, 5,67,000 करोड़ के करीब है। देन जेम्स एंड ज्वेलरी है, हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं फिर ज्वेलरी को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का होता है, 6,00,000 करोड़ के करीब है। देन दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में तो आपको पता ही है सारा कुछ इंपोर्ट है, मोबाइल फोन आप फिर भी जरूर बनने लगे हैं कि सैमसंग ने नोएडा में अपनी फैक्ट्री लगा ली है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं। देन तीसरे नंबर पर गोल्ड है। अब देखिए आप इसमें फूड आइटम और देखिए, पल्स हम फूड आइटम इंपोर्ट करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल भी इंपोर्ट करते हैं, इनका शेयर 16,000-11,000 करोड़ है। वेजिटेबल ऑयल का शेयर सबसे ज्यादा है अगर हम एग्रीकल्चर आइटम में देखें, 82,000 करोड़। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2019 में, क्वेश्चन आया था अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में सबसे ज्यादा। तो देखिए ये 5 ईयर का डेटा है, ये हमने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया था। तो स्पाइस का हम इंपोर्ट करते हैं, फ्रेश फ्रूट करते हैं, पल्स भी करते हैं पल्सेस, बट वेजिटेबल ऑयल्स का सबसे ज्यादा वॉल्यूम में देखें, वैल्यू में देखें तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट वेजिटेबल ऑयल का होता है। आरआईसी, आपने न्यूज में कभी कभी देखा होगा आरआईसी, आरआईसी ग्रुपिंग है, रसिया, चाइना, इंडिया की ग्रुपिंग है, इनकी मीटिंग होती रहती है फॉरेन मिनिस्टर्स की, हेड ऑफ द स्टेट की। POL कभी वर्ड यूज होता है, POL का फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट। एन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम लीड्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, देखिए आपकी अगर फॉरेन इनकम इंक्रीज होगी तो आप और एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, तो इससे आपका ट्रेड बैलेंस भी इंप्रूव होगा। फॉरेन इकोनॉमिक एजेंट एक्सेप्ट ए नेशनल करेंसी ओनली इफ दे आर कन्विंस दैट करेंसी, देखिए फॉरेन इकोनॉमिक एजेंट है वो नेशनल करेंसी कब एक्सेप्ट करेंगे, जब उनको पता है कि नेशनल करेंसी से सेम परचेजिंग पावर मिलेगी। अगर आपकी करेंसी डेप्रिसिएट होगी तो फिर वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पर्पज ऑफ रिडक्शन, देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्साइज ड्यूटी को वेव ऑफ कर देती है, तो पर्पज वही है कि आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। गोल्ड इंपोर्ट 2080 स्कीम, ये 2013 में आई थी स्कीम, इसमें क्या था, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हम लोग गोल्ड बहुत इंपोर्ट करते थे, तो गवर्नमेंट की स्कीम थी कि जितना आप गोल्ड इंपोर्ट करोगे 20% आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 5G मोबाइल सर्विस है वो साउथ कोरिया ने लॉन्च की थी, और मिरेकल इकोनॉमी का मतलब होता है जिसकी GDP ग्रोथ 7% से ऊपर हो फॉर ए डिकेड और मोर।